दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो अपने शरीर से अपंग है, पर उनकी जो सोच है उनके दिमाग से वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर हम कंपेयर करें दूसरे आदमी से तो उनकी सोच एकदम अलग है। तो उसी के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, वेस्टीज में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, ये हर बार हम बताते हैं, पर उसमें से कुछ लोग कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि देखो, कोई इंसान कामयाब होगा या नहीं होगा वो टोटली डिपेंड करता है उसकी थिंकिंग पर, मतलब कि वो अपने दिमाग में क्या इंटेंशन रखता है। अगर उसका इंटेंशन ये है कि जहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है, प्रोडक्ट बेचना है, तो वो फिर इंसान इस वेस्टीज बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस है, उसको आपको बिजनेस की तरह करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वेस्टीज के जांबाज लीडर, जो शरीर से भले ही दुखी हैं पर मन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सर को प्लीज चेयर दीजिए, बाकी लोग बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए। इनको रिकॉग्नाइज कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले, पीछे लोग नहीं जाते, रिकॉग्नाइज कर ले इनको। तो ये भी बहुत बड़ी है और इनका लगन भी बहुत बड़ा है, क्या अंदर में जाते हैं इनको बता लो। तो धंधा वाली अपलॉज के साथ वेलकम कीजिए हमारे स्टार डायरेक्टर। वाओ, सो लुक एट हिज एटीट्यूड एंड द पॉजिटिव एनर्जी। तो ये सही कहा जाता है कि भले ही इंसान शरीर से मजबूत नहीं है, पर अगर वो मन से मजबूत है तो वो कौन सी भी जंग लड़ सकता है, कुछ भी जीवन में अचीव कर सकता है। तो उसका जीता जागता एग्जांपल आपके सामने है। ये छोटे से एरियस आते हैं, पर इन्होंने वो प्रूव करके दिखाया है कि अगर आपकी कोई डिटर्मिनेशन है, कोई चाहत है, तो उसके पीछे आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इनकी एनर्जी। मेरा एक मानना है, क्या जानना चाहूंगा आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं। ऐसे तमाम लोग हैं जो वेस्टेज में काम कर रहे हैं। गौतम बाली जी ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि उनकी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गूंगे हैं, बहरे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जो मतलब ऐसे तमाम सारे डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वस्थ और अच्छे लोग ही काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी कामयाब हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। अगर वो लोग भी वेस्टेज में काम कर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो यही है कि लोग समय नहीं देते, वो समय नहीं देंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, कैसे कामयाब हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो सक्सेस की है वो यही है कि सबसे पहले तो आपको टिकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टर्नओवर तभी आएगा और आपकी इनकम तभी आएगी जब आप इस वेस्टेज के बिजनेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं। मतलब कि आपको कंसिस्टेंटली बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है अपने काम के साथ।